और अब कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। चीन ने 2024 के लिए अपने तरक्याती आदाफ का ऐलान कर दिया। हुकूमती वर्क रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी का हदफ तकरीबन 5% तय किया गया है। रोजगार के 1 करोड़ से ज्यादा नए मौके पैदा किए जाएंगे और बेरोजगारी की शरह को मजीद कम किया जाएगा। मजीद तफसीलात बीजिंग से शायद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन की अहम तरीन सियासी सरगर्मी 2 इजलास इस वक्त बीजिंग में जारी हैं। इस मौके पर 14वीं कौमी अवामी कांग्रेस के दूसरे इजलास में चीनी सदर शी जिनपिंग और दीगर पार्टी और रियासती रहनुमाओं ने शिरकत की। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चांग ने कॉन्फ्रेंस में हुकूमती वर्क रिपोर्ट पेश की, जिसमें गुज़श्ता साल के हासिल करदा अहम कामयाबियों को उजागर किया गया और रवां साल के अहम अहदाफ का तयन किया गया। वर्क रिपोर्ट में कहा गया है कि मौसी बहाली में मजमूई तौर पर बेहतरी आ रही है। जीडीपी 126 ट्रिलियन युआन से तजावुज कर गई, जो 5.2% का इजाफा जाहिर करती है और ये शरह नमो दुनिया की बड़ी मईशतों में सर फहरिस्त है। शहरी इलाकों में 12.44 मिलियन नई मुलाजमतें पैदा की गयी और शहरी बेरोजगारी की शरह औसतन 5.2% रही। सार्फी कीमतों में 0.2% का इजाफा हुआ। अदायगियों का तोजन बुनियादी तौर पर मतवाजन रहा। रवासात के अहम तरक्याती अहदाफ में जीडीपी की शरह नमो तकरीबन 5%, शहरी इलाकों में 12 मिलियन से जायद नई मुलाजमतें, शहरी इलाकों में सर्वेशुदा बेरोजगारी की शरह को तकरीबन 5.5% तक लाना, सार्फी कीमतों में तकरीबन 3% का इजाफा, शहरियों की आमदनी और मौशी नमो में बजक वक्त इजाफा, अनाज की 650 अरब किलोग्राम से जायद पैदावार, जीडीपी के फी यूनिट तवनाई की खपत में तकरीबन 2.5% की कमी और माहौल के मेयार में मुसलसल बेहतरी शामिल हैं। चीन की इस अहम तरीन सियासी सरगर्मी 2 सेशंस के दौरान, जहां चीन की मुआशी समाजी तरक्की के हवाले से अहम फैसले सामने आएंगे, वहां ये दुनिया ये तवक्को भी कर रही है कि इससे आलमी मईशत की बहाली और इस्तेहकाम में भी नुमाया मदद मिलेगी। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। अफगान तालिबान हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम नजर आ रही हैं। अफगान तालिबान ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली, सेहत, तालीम और दीगर तरक्याती मनसूबों पर तवज्जो न दी। अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और अवामी बहबूद पर अदम तवज्जो की वजह से अफगान अवाम बेशुमार मसाइल का शिकार हैं, जबकि अफगान तालिबान ने कलदम TTP के दहशत गर्दों के खिलाफ भी कोई ठोस इकदाम नहीं उठाया। रमजान और मुबारक के बाबरकत महीने में मस्जिद अल हराम में इफ्तारी करने के ख्वाहिशमंद मुसलमानों की रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल जारी कर दिया गया। मुकामी मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से रमजान और मुबारक से पहले पोर्टल का इजरा किया गया, जिसके जरिए ऐसे मुसलमान जो बाबरकत महीने के दौरान मस्जिद अल हराम में इफ्तारियाँ करने की ख्वाहिश रखते हैं वो ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेंगे। और मैन शरीफैन के इंतजामी अमूर से मुतालिक अथॉरिटी ने पोर्टल का इजरा और मैन शरीफैन में इफ्तारी के मामूल को मुनज़्ज़िम करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें सहूलत देने के लिए किया गया, ताकि उनकी ये पेश की इंतजाम तरतीब दिए जा सकें।